स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में आपका स्वागत है। नाउ व्हाट डू वी डू विद देम, इसका मतलब है इससे हम क्या कर सकते हैं। दसवां, इंसर्ट अ पेंसिल एंड देन ड्रॉ अ सर्कल। इंसर्ट यानी अंदर डालो, जैसे कि प्लीज इंसर्ट दिस एडवर्टाइजमेंट इन योर न्यूज़पेपर। इसका मतलब है तुम्हारे समाचार पत्र में मेरी खबर छापो। इंसर्ट का भाववाचक नाम है इंसर्शन, यानी डालने की क्रिया, समाचार पत्र में समाचार छपने की क्रिया। उदाहरण के लिए, व्हाट इज द चार्ज फॉर टू इंसर्शंस, दो बार जाहिर खबर छापने के लिए कितना है। इंसर्ट अ पेंसिल, यानी वर्तुल के इस छेद में पेंसिल डालो। टी एच ई एन देन, यानी फिर। देन नाउ से विरुद्ध अर्थ वाला शब्द है। ड्रो यानी चित्र बनाना, ड्राइंग यानी चित्र काम, या फिर आकृति दौड़ने का काम, जैसे कि वेयर इज माई ड्राइंग बुक, मेरी चित्र काम की किताब कहाँ है। सर्कल यानी वर्तुल या गोलाकार, इसका विशेषण होगा सर्कुलर यानी गोल। उदाहरण के लिए, दिस गार्डन इज सर्कुलर, यह बगीचा गोल है। सर्कुलर का दूसरा अर्थ परिपत्र भी होता है। उदाहरण के लिए, दिस इज अ सर्कुलर फ्रॉम द डिपार्टमेंट, यह कार्यालय की ओर से आया हुआ परिपत्र है। 11, दिस इज अ स्मॉल फूड रूल, स्मॉल यानी छोटा, छोटे कद के लिए यह शब्द का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, स्मॉल पेंसिल, स्मॉल रूम, स्मॉल हाउस इत्यादि। स्मॉल का विरोधी शब्द है बिग अथवा लार्ज यानी बड़ा, फुट रूल यानी फुट पट्टी, उसे रूलर भी कहते हैं। 12, यस यू ड्रॉ फिगर्स विथ इट, इसका मतलब है इससे तुम आकृतियां बनाओ। 13, अनिल हियर्स रमेश, इस वाक्य में हियर्स हियर इसका संक्षिप्त रूप है, शाउटिंग यानी आवाज लगाते हुए। आगे हमने सीखा है अंग्रेजी में वर्तमान कृदंत बनाने के लिए क्रियापद को ing प्रत्यय लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, गोइंग, गोइंग यानी जा रहे हैं, कमिंग यानी आ रहे हैं, टेकिंग यानी ले रहे हैं, और गिविंग यानी दे रहे हैं इत्यादि। हियर्स रमेश, हियर्स हियर इसका संक्षिप्त रूप है, इसलिए हम इस तरह से भी कह सकते हैं, हियर इज रमेश, इसका मतलब है रमेश यहाँ है। हियर का विरोधी शब्द है देयर, देयर यानी वहाँ। 14, मम्मा आई एम कमिंग, पापा रमेश इज कॉलिंग मी, आई एम गोइंग। आई एम कमिंग, आई एम का संक्षिप्त रूप है, इसलिए इस वाक्य को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, आई एम कमिंग यानी मैं आता हूँ। रमेश इज कॉलिंग मी, रमेश मुझे बुला रहा है। कॉल यानी बुलाना, कॉल हिम यानी उसे बुलाने का कार्य या आवाज, इसे हम कॉल कहते हैं, जैसे कि दिस टेलीफोन कॉल इज फॉर यू, यह टेलीफोन तुम्हारे लिए है। आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूँ। 15, वेरी वेल, इसका मतलब है अच्छा ठीक है।
इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।